क्यूटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम, मतलब ये एनिमे पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगता है बिकॉज ऑफ दिस फेमस कैरेक्टर आई। मतलब इस एनिमे में हमें एक कैरेक्टर दिखाई गई है जिसका नाम है आई, जो कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छी एक स्टार है, जैसा कि आप समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टेलर जिसके बहुत ज्यादा फैंस है वर्ल्ड वाइड, सेम इसके भी पूरे दुनिया में फैंस हैं। इसके अलावा हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि ये जो एनिमे होने वाला है इसी के लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के चारों तरफ घूमेगा, लेकिन एंडिंग ऐसी नहीं होती और एंडिंग में बहुत सारे अनअंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ दिए जाते हैं जिसके बारे में भी अभी आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी ग्लिम्पसेस दे दूं। ये जो एनिमे है ये घूमते हैं लड़की के चारों तरफ जिसके कुछ फैंस है, जैसे कि एक लड़की है सफीना नाम की जो कि है 12 साल की। इसके अलावा हमें दिखाया जाता है कि जो आए हैं वो एक स्टार होने के साथ साथ प्रेग्नेंट भी है, लेकिन वो कहीं पे ये चीज को डिस्क्लोज नहीं करती क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर था कि अगर वो ये डिस्क्लोज कर देगी कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके शायद जो उसके फैंस है वो नाराज हो जाए और मे भी मतलब कुछ भी आप समझ सकते हो। इसीलिए डॉक्टर को हायर करती है और डॉक्टर से बातचीत करती है कि भाई तुम इस चीज को राज के राज ही रखो, मैं कुछ टाइम के शोज नहीं करूंगी पर इस चीज को तुम डिस्क्लोज मत होने देना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो जो डॉक्टर है वो भी मर जाता है और जो आए है वो एक बच्चे को जन्म ना देके वो ट्विंस को जन्म देती है। और इस कहानी में जो ट्विस्ट आया था जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था कि जो डॉक्टर मर चुका था और इसमें जो ट्विंस था इसमें जो एक लड़का हुआ था वो उसी डॉक्टर का पुनर्जन्म था। और कमाल की बात ये थी जो मेरे को थोड़ी सी ओवर भी लगी थी कि उस जो बच्चा हुआ था उसको अपने पूछ ले जन्म की सारी बातें याद है ये वो, बट वो जो लड़की थी ना वही बहुत ज्यादा क्यूट थी। इसके अलावा हमें दिखाया गया था कि एनिमे खत्म होते होते जो आए है वो मर जाती है। मैं अभी आपको ये नहीं बताऊँ कैसे मरी कैसे, क्योंकि ये छोटी वीडियो है, इसका नया एनिमे आने वाला है तो बेसिकली हम उसके रिलीज डेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो बाकी कमेंट में बात करें ताकि हम उसके बारे में प्रॉपर एक सीरीज लेके आए। लेकिन इसके अलावा मैं कई सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़ दिए गए थे, जैसे आए कैसे मरी थी, जो एक्वा है क्या वो अपनी माँ के मौत का बदला ले पाएगा, क्या जो रूबी है क्या वो एक बहुत बड़ी स्टार बन पाएगी, और जो डॉक्टर था उसकी आगे क्या स्टोरी रही होगी। बाकी सभी अनआंसर्ड क्वेश्चंस के हमें आंसर्स मिलने वाले अभी हाल फिलहाल में 3 जुलाई को, तो देखना ना भूले क्योंकि ओशिनोको का सीजन 2 आ रहा है अभी 3 जुलाई को। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन।